वेलकम बैक गाइस दोस्तों तो आज हम बात करेंगे चंद्रमुखी 2 मूवी के 23 डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे मूवी ने अब तक जो है कि अपने 22 डे के अंदर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, और मूवी अब तक जो है कि बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग मिला या फिर फ्लॉप। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ दोस्तों। तो हम सभी को पता है मूवी के अहम किरदार में कंगना रनौत के साथ राघवा लॉरेंस दिखाई दिए हैं। मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और मूवी जो है कि एकदम कॉमेडी और जो है कि थोड़ी सी डरावनेपन से भरपूर है, मतलब हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो काफ़ी अच्छी मूवी है। लोगों को काफ़ी ठीक ठाक मूवी लगी है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी और ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी, बोलेंगे तो मिक्स रिव्यू मिले हैं मूवी को। मूवी ने अब तक जो है कि अपने 22 दिनों के अंदर जो कलेक्शन किया है वो है लगभग 46 करोड़ इंडिया नेट। जी हाँ दोस्तों, 46 करोड़ इंडिया नेट। और बर्ड बैडली मूवी का जो कलेक्शन है वो है 61 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 61 करोड़। बात करें आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आज के दिन बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई हैं, टाइगर नागेश्वर राव और उसी के साथ साथ गणपत लियो और भी बहुत सारी मूवीज जो है कि सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं, जिस वजह से मूवी का जो स्क्रीन काउंट है वो कम हो चुका है। और मूवी आज के दिन लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कलेक्शन कर रही है और लगभग 25 लाख का कलेक्शन आज के दिन मूवी कर रही है। तो दोस्तों बोल सकते हैं कि मूवी का बजट ही मतलब 50 करोड़ है और मूवी ने जो है कलेक्शन लगभग 61 करोड़ का किया है दोस्तों। तो मूवी जो है कि अभी तक एक बोल सकते हैं बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज साबित हुई है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मूवी आगे आने वाले टाइम में कलेक्शन कुछ कर पाएगी या नहीं, अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। या आपको लगता है कि मूवी के कलेक्शन में अब स्टॉप लग जाएगा, ये भी बताइएगा। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।